हेलो एवरीवन, मैं वार नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर साथ सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सभी को। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB की तरफ से जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली है हमारे सामने है, और उसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। इवन नवंबर महीने के अंदर इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो क्या स्ट्रेटजी अपनी रहेगी, वो सारी की सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अपन यहाँ पे थ्योरी क्लास से स्टार्ट करेंगे, कुछ MCQ निकालेंगे वहाँ से कि क्या कहाँ से MCQ बन सकता है कहाँ से नहीं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और थ्योरी के रूप में MCQ तैयार करेंगे अपन, ताकि अपन को एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। और एक ही नारा है अपना, अब की बार RRB पार। तो उसी सेशन को मैं आगे बढ़ाता हुआ 262 नंबर की जो क्लास है अपनी, वो यहाँ पे कैरी ऑन करता हुआ मैं। तो जल्दी से जल्दी क्लास को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो स्ट्रेटजी ये है कि आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, अगर आपको RRB के अंदर फाइट करना है, बहुत ही कम पोस्टें हैं। पोस्टें कितनी है, तो पोस्टें तो है 713, ठीक है, 713 पोस्ट है अपने पास में। और अब इसमें से भी देखना, आप अगर राजस्थान आप चूज करते हो, राजस्थान, ठीक है, इसमें भी आपके वापस आपको मिलेगा। तो राजस्थान आप चूज करते हो तो वहाँ पे अजमेर के लिए एक मतलब पोस्ट मिलेगी आपको, और अजमेर के लिए जो पोस्ट है वो 29 है। अब अगर आप पूरे ऑल इंडिया में भरना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आप अगर राजस्थान में ही रहना चाहते हो तो 29 पोस्ट है, मतलब आप सोच सकते हो कितना बड़ा कंपटीशन है। तैयारी भी अपन को उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो देखो, अपने पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये भी है कि ये बड़े लेवल की वैकेंसी, और बड़े लेवल की अपन अगर तैयारी करेंगे, इसमें बाई चांस सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो स्टाफ नर्स आ रही है NHM वाली राजस्थान के लिए, और उसके अंदर 1900 प्लस पोस्ट है। तो आप उसमें अगर इस लेवल की तैयारी के साथ में फाइट करोगे तो डेफिनेटली उसमें तो सिलेक्ट हो ही जाओगे। तो स्ट्रेटजी ये है अपनी ऑल ओवर नर्सिंग। नर्सिंग में जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उनको मैं टॉपिक के थ्रू लपेटूंगा, कि जो टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं या जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वही टॉपिक यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑल ओवर नर्सिंग आपकी आएगी 70 नंबर की, कितने नंबर की आएगी, 70 नंबर की। फिर आएगा इसका दूसरा पार्ट, और दूसरे पार्ट में आता है आपके GK यानी जनरल नॉलेज, जिसके अंदर आपके भूगोल, इतिहास, सब कुछ आगे भारत का, ठीक है, वो आएगा आपके 10 नंबर का। और जनरल अवेयरनेस क्या आएगी इसके बाद में, जनरल अवेयरनेस वो आएगी आपके 10 नंबर की। और क्या आएगा इसके अंदर, रीजनिंग क्या आएगी, रीजनिंग, ठीक है, ये भी आएगी आपके 10 नंबर की। तो 30 नंबर का अदर पोर्शन है और 70 नंबर का ऑल ओवर नर्सिंग है। और कट ऑफ भी आपको पता है कि ज़्यादा नहीं जाने वाली है RRB की, ठीक है। तो सभी को पता है, ये सारी चीज़ें अपने पास में डेफिनेटली क्लियर है। और अपन को क्या करनी है, एक बेसिक तैयारी अपनी बेसिक मजबूत करना है। तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट एडवाइस इस प्रकार से है, आपको क्या करना है इसकी तैयारी के लिए। मैं एक ही सजेशन दूंगा कि ज़्यादा बुक प्रेफर मत करना, इसकी बुक भी पढ़ ली, उसकी पढ़ ली, ये पढ़ ली, वो पढ़ ली, तो ज़्यादा अगर मुंह मारोगे या ज़्यादा अगर आप चावल खाओगे तो भूखे रह जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। क्या करना आपको, एक इम्पोर्टेंट बुक का नाम बताता हूँ मैं, जो ऑलरेडी मतलब मैं खुद भी पढ़ा हूँ उसी बुक से, तो PR यादव नाम की बुक आती है, ठीक है। जैसा कि देखो, जो तैयारी कर चुके हैं पहले उन सबको ये नाम टिप ऑफ द टंग है उसका। यहाँ पे अभी जो आ रहा है ना MCQ फॉर्मेट में आ रहा है, प्लस थ्योरी, MCQ के साथ में ही थ्योरी दी हुई है टॉपिक वाइज, और वो आ रहा है आपके 5th edition, कौन सा है, 5th, 5वें नंबर का एडिशन यहाँ पे आ चुका है, एडिशन, ठीक है।
पाँचवें नंबर का एडिशन यहाँ पे आ चुका है मार्केट में, अवेलेबल है। ज़्यादा इसकी प्राइस भी नहीं है, 700 प्लस रुपीज़ के अंदर आपको ये घर बैठे अवेलेबल हो जाएगी ऑनलाइन के माध्यम से, अमेजोन से कहीं से भी आप मंगवा सकते हो। ये आएगा आपके सेकंड वॉल्यूम में। अब वॉल्यूम फर्स्ट में क्या होगा, फिर सेकंड वॉल्यूम में तो आपके एमसीक्यू थ्योरी होगी, ये फिफ्थ एडिशन है। सेकंड वॉल्यूम के अंदर तो ये सारी चीज़ें होगी। अब फर्स्ट वॉल्यूम जो आप लोगे ना तो उसके अंदर आपको फोर्थ एडिशन मिलेगा, अभी फोर्थ ही है उसमें, फिफ्थ नहीं आया है। तो फोर्थ एडिशन आपको लेना है, इसके भी यहाँ पे 700 रुपये के आसपास पे होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके फर्स्ट वॉल्यूम, जिसके अंदर ऑल ओवर क्या है, ऑल ओवर थ्योरी है, बस इस थ्योरी के अलावा कुछ भी नहीं है उस बुक में, ठीक है। ये सारे के सारे नर्सिंग के सब्जेक्ट इसके अंदर कवर हो जाएंगे, और इसमें भी सारे नर्सिंग के सब्जेक्ट थ्योरी वाइज, थ्योरी भी है एमसीक्यू भी है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने थ्योरी पढ़ चुके हैं ठीक है, तो इसको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है थ्योरी वाली की। लेकिन अगर आपको बिल्कुल बेसिक भी क्लियर नहीं है तो थ्योरी को भी पढ़े साथ में, और एमसीक्यू वाले को भी पढ़े। मिनिमम अगर आप 7 से 8 घंटा भी डेली पढ़ोगे, 7 से 8 घंटा अगर डेली निकालोगे, 7 से 8 आवर, तो ये दोनों बुक, क्योंकि मैं जीता जागता उदाहरण हूँ इस चीज़ का, दोनों बुक आप कम से कम टिल एग्ज़ाम तक कवर कर सकते हो, ठीक है। ये थी मेरी स्ट्रेटजी प्लान कि बुक आपको ये प्रोसेस परचेज करनी है और इस प्रकार से आपको पढ़ना है, और डेली एमसीक्यू बुक से भी सॉल्व करना है, ठीक है। और क्या करना है, क्लासों को लेते रहना डेली, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन, ऐसी शुभकामनाएं हैं आप सभी के सामने कि सिलेक्शन श्योर हो गई होगा, और नहीं हो तो घबराना नहीं है, क्यों, क्योंकि जो महान कलाकार है उनका भी कभी पहली बार में नहीं होता है, ठीक है। पहली बार में तो किसी का हुआ नहीं, और हो चुका है तो वो उसका जो आईक्यू लेवल है वो बहुत हाई होगा या तो, ठीक है। इस प्रकार से आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से तैयारी करनी है और अपनी तैयारी को जी जान लगाना है तैयारी में, क्योंकि अपन कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं आज का यहाँ पर टॉपिक है अपना, वो यहाँ पर स्टार्ट करूँगा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, पॉजिटिव थॉट के साथ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट है, और भी मैं मोटिवेट करता रहूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इम्पोर्टेंट थॉट ये है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास में चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास में चलकर समंदर भी आएगा, होके ना मायूस यू बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी तेरे को और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में मैं आज का यहाँ पर पहला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है नर्सिंग के लिए, ठीक है। तो नर्सिंग क्या होती है, नर्सिंग सबसे पहली बात तो यही आती है अपने सामने, तो नर्सिंग की जो हिंदी होती है वो परिचर्या होता है, परिचर्या अपन क्या बोल सकते हैं इसको, नर्सिंग को परिचर्या, ठीक है। ये प्रोसीजर वगैरह जो भी होते सब इसी के अंदर होते हैं। अब आपको एक प्रश्न पूछेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नर्सिंग प्रोसेस के ऊपर से एक प्रश्न यहाँ से डेफिनेट आएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे नर्सिंग प्रोसेस बताता हूँ, पहला ही टॉपिक यहाँ पे मैं नर्सिंग प्रोसेस को यहाँ पे खींचूँगा, नर्सिंग प्रोसेस लिखते जाना एक एक पॉइंट को, ऐसे ही पढ़ेंगे अपन। तो नर्सिंग प्रोसेस के अंदर या नर्सिंग प्रोसेस जब भी अपन करते हैं उसके अंदर 5 स्टेप अपन यहाँ पे लर्न करते हैं। कितनी स्टेप लर्न करते हैं, 5 स्टेप। पहली स्टेप है अपने पास में आती है असेसमेंट, ठीक है। दूसरी स्टेप इसके आती है अपने पास में डायग्नोसिस, क्या आती है, डायग्नोसिस। तीसरी स्टेप इसके अंदर आती है प्लानिंग, क्या आता है, प्लानिंग। और इसी की चौथी स्टेप जो आती है ना अपने पास में वो आती है प्लानिंग के बाद में अपन क्या करते हैं, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन या इंटरवेंशन दोनों ही बोल सकते हो आप, ठीक है। इंटरवेंशन और या अपन बोल सकते हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन। और पांचवी स्टेप जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, इवोल्यूशन,
ठीक है। ये पांच प्रोसेस होती है नर्सिंग की, बहुत इम्पोर्टेंट है, लिखते रहिएगा साथ साथ। पहले ही बोल रहा हूँ मैं, एक एक चीज़ को लिखना है, एक एक चीज़ को यहाँ पर उतारना है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ असेसमेंट की, तो पहला होता है अपने पास में टॉपिक आता है असेसमेंट। क्या आता है? असेसमेंट थ्योरी रूप में ही पढ़ाऊँगा मैं, और वही चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी जो एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पहला यहाँ पर टॉपिक अपने पास में आता है असेसमेंट, अपन ने अभी पढ़ा ना असेसमेंट, उसी को मैं यहाँ पर डिटेल में पढ़ाऊँगा आपको। तो असेसमेंट के अंदर अपन क्या क्या चीज़ें लर्न करते हैं, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो असेसमेंट जो होता है ना, वो दो तरीके से होता है, ठीक है। एक तो सब्जेक्टिव, उसके अंदर दो डाटा अपन लेते हैं असेसमेंट में। कितना डाटा लेते हैं? असेसमेंट का मतलब भी होता है कि असेस करना, ठीक है। वो चाहे मतलब अलग अलग तरीके से हो सकता है, आप आँखों से असेस कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके असेस कर रहे हो वो चीज़, ठीक है। कुछ भी हो सकता है असेसमेंट का मतलब। तो असेसमेंट के अंदर दो चीज़ें होती है, पहली चीज़ जो निकल के आती है ना ए नंबर, नंबर ए लिख लेना आप यहाँ पे, सब्जेक्टिव डाटा। अब सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? तो प्यार दोस्तों, सब्जेक्टिव डाटा वो होता है, सब्जेक्टिव डाटा का मतलब पेशेंट खुद बता रहा है, ठीक है। अब ये किस पेशेंट के लिए लागू होता है? देखो, ये उस पेशेंट के लागू होता है, लिए लागू होता है जो कम से कम बोल सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। ये सब्जेक्टिव डाटा उस पेशेंट, जो कौन पेशेंट बोलेगा तो उसको सब्जेक्टिव डाटा बोलेंगे। मेरी बात को गौर करना, समझना कि वो पेशेंट जो बोल सकता है, समझ सकता है, सुन सकता है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये तीनों, और यही एग्जामिनर फंसाता है हमेशा, ठीक है। अब देखना है ये सब्जेक्टिव डाटा के अंदर एक तो होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। एक तो होता है प्राइमरी सब्जेक्टिव डाटा, एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी के अंदर क्या होता है, लिखना एक एक पॉइंट को। प्राइमरी के अंदर क्या होता है कि वो पेशेंट जो कम से कम आप मान सकते हो कि वो कम से कम होगा 8 साल से ऊपर ही होगा, ठीक है। 8 साल से ऊपर थोड़ी बहुत समझ आ जाती है। तो वो या कुछ बता रहा है अपन को, या उससे अपन कुछ पूछ रहे हैं तो उसके समझ भी है, सब कुछ है, तो वो एक्यूरेट जानकारी भी अपन को दे सकता है। तो ये किस में चला जाएगा? प्राइमरी में। और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है कि सेकेंडरी सोर्स के अंदर आप देखना, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई पेशेंट पागल है, मतलब मेड, ठीक है, मेंटल इल है, अगर उसकी रिपोर्ट कोई पेरेंट्स दे रहा है अपन को, ठीक है, तो वो आएगा सेकेंडरी सब्जेक्टिव डाटा के अंदर। या कोई बच्चा है कि उसको पेट में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसकी जानकारी कोई पेरेंट्स दे रहा है अपन को, तो वो भी उसमें जाएगा सेकेंडरी में। बात समझ रहे हो? दोनों में फ़र्क समझा? प्राइमरी में द पेशेंट सेल्फ बताएगा, ठीक है, हिंदी में लिख लो, कोई बात नहीं। और इसमें अदर सोर्स से अपन को क्या मिल रही है? इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यह किसमें चला जाएगा? सेकेंडरी में। इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है, सब्जेक्टिव डाटा समझ में आ गया, इम्पोर्टेंट है। असेसमेंट के अंदर सब्जेक्टिव डाटा मतलब पेशेंट खुद बताएगा, तो वो किसमें चला जाएगा? सब्जेक्टिव की प्राइमरी में। और पेशेंट के रिलेटिव बता रहे हैं, ठीक है, तो सेकेंडरी में, वो भी प्राइमरी सेकेंडरी सब्जेक्टिव डाटा है। दूसरा इसके अंदर अपन पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि इसके अंदर हेल्थ वर्कर या नर्सिंग स्टाफ जो होता है वो क्या करता है, आंखों देखा हाल बताता है। मतलब वो खुद ऑब्जर्व करेगा उस चीज़ को, क्या करेगा? उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा और वही चीज़ अपन को बताएगा। इसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव डाटा मतलब बाई ऑब्जर्वेशन के द्वारा अपन को डाटा यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मतलब आप अगर मान लो किसी का ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो, तो ये किस में चला जाएगा? ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हो। वाइटल साइन किस में जाएगा? ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। पेशेंट को नोजिया हो रहा है, वो खुद बता रहा है, तो वो सब्जेक्टिव में जाएगा,
आ गई बात समझ में। नेक्स्ट मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा इस टॉपिक को, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे यहाँ पर डायग्नोसिस। क्या पढ़ेंगे अपन? डायग्नोसिस। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक अपने पास में आता है डायग्नोसिस का। और डायग्नोसिस में आपको क्या पढ़ना है? कुछ भी नहीं पढ़ना। डायग्नोसिस में क्या पढ़ोगे आप? डायग्नोसिस में डायग्नोसिस होता है तो डायग्नोसिस में क्या होता है मैं आपको बता दूँ कि आपकी CBC होती है ना, छोटी से छोटी जांच, वहाँ से लेकर यूरिन, स्टूल, ठीक है, CT स्कैन, MRI, एक्सरे, बायोप्सी, ये जितनी सारी जांचें हैं ना, जांचें वो सारी किस में जाएगी? डायग्नोसिस में। और डायग्नोसिस ही बताएगा अपन को कौन सी डिजीज़ है, मतलब डिजीज़ से को रिलेट करने वाली चीज़ क्या है? डायग्नोसिस। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पहलू होता है किसका? नर्सिंग प्रोसेस का। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर इसी के आगे, यहीं पर बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट अब मैं बात करूं, तीसरा पॉइंट आता है प्लानिंग का। तो प्लानिंग के अंदर अपन क्या करते हैं यार दोस्तों, अपन क्या करते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? प्लान, किस प्रकार से कौन सी मेडिसिन तैयार करनी है, क्या करना क्या नहीं करना। एक बात विशेष गौर करके लिखना आप यहाँ पे कि पेशेंट का डिस्चार्ज प्लान उसके एडमिशन के दौरान दौरान ही तय किया जाता है। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने कि पेशेंट का प्लानिंग कर रहे हैं अपन। ठीक है, प्लानिंग किसकी कर रहे हैं? मेडिकेशन की। मेडिकेशन कैसे देनी है उसको, पोजीशन कौन सी देनी है, ठीक है, उसको कौन सा एनवायरनमेंट देना है, कौन सी डाइट देनी है, वो सारा एक प्लान तैयार करते हैं अपन। उसी के अंतर्गत एक प्लान और तैयार करते हैं कि आज इसका एडमिशन हुआ है तो 5 दिन रखेंगे इसको, और 5वें दिन इसको क्या कर दिया जाएगा? डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें भी किसके अंतर्गत आती है? प्लानिंग के अंतर्गत आती है। ये सारी बात समझ में आई सभी को प्यारे बच्चों? एडमिशन के दौरान ही उसका यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? डिस्चार्ज तय कर दिया जाता है। ऐसा नहीं डिस्चार्ज कर दिया जाता, डिस्चार्ज तय किया जाता है। तय का मतलब फिक्स कर दिया जाता है कि इसको इस दिन इसको डिस्चार्ज करेंगे अपन। ठीक है, ये होती है प्लानिंग, पहले से प्री प्लान करना। अब देखना इम्पोर्टेंट है, चौथी यहाँ पे स्टेप आती है इसी की, क्या आती है? इंटरवेंशन। हाँ, इंटरवेंशन ही है। चौथी स्टेप का नाम है इम्प्लीमेंटेशन या इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन या इंटरवेंशन। ठीक है, या आप कुछ भी बोल सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आप मेडिसिन लगाते हो, मेडिसिन देते हो, तो उसका रूट क्या रखना है, मतलब डॉक्टर ने क्या लिखा है, उसकी डोज क्या है, उस मेडिसिन की डोज क्या है, ठीक है, कितनी डोज देनी है, कितना रूट और टाइम क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। इम्प्लीमेंट का मतलब आपको अप्लाई करनी पड़ेगी पेशेंट के ऊपर, वो आ जाता है आपका इम्प्लीमेंट के अंदर। और ये भी आपको मेंशन करना पड़ता है कि मैंने यह मेडिसिन इतनी बजे इतनी मात्रा में मैंने इस पेशेंट को लगाई है। ठीक है, ये आता है इम्प्लीमेंटेशन। अब याद रखना, इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी 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 इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रोसेस आ रही है, नर्सिंग प्रोसेस का यहाँ पे पार्ट आ रहे हैं, और उसको लिख लेना 5 स्टार बना के। कितना स्टार बनाना? 5। इसलिए मैं थोड़ा डार्क भी लिख रहा हूँ। इवैल्यूएशन कौन सी है? इवैल्यूएशन क्यों है इम्पोर्टेंट? अब देखना, इम्पोर्टेंट इसलिए है यहाँ पे आपको एक सवाल पूछेंगे वो एग्जामिनर कि आपने जो नर्सिंग प्रोसेस असेसमेंट किया, डायग्नोसिस किया, एक प्लान तैयार किया, मेडिसिन भी दे दी, अब वो मेडिसिन इफ़ेक्टिव है या नहीं है? तो मेडिकेशन की मेडी
क्वेश्चन की इफेक्टिवनेस को इफेक्टिवनेस का पता लगाया जाता है। क्या क्या लिखा मैंने, मेडिकेशन जो अपन ने की है या पोजीशन अपन ने दी, कुछ भी प्रोसीजर किया अपन ने इंटरवेंशन में, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में कुछ भी प्रोसीजर किया अपन ने, क्या वो इफ़ेक्टिव है, क्या उससे पेशेंट को रिलीफ मिला है, क्या अपन ने कूल काम शांत वातावरण पेशेंट को प्रोवाइड किया तो उससे पेशेंट को थोड़ा बहुत रिलीफ मिला या नहीं मिला, फीवर आ रहा था अपन ने क्या किया, उसके स्पॉन्ज यहाँ पे लगा दिया हेड पर, ठीक है, PCM दे दी, क्या उसको फीवर से रिलीफ हुआ या नहीं हुआ। तो अगर अपनी जो मिस्टेक है वो कहाँ पकड़ में आती है, इवोल्यूशन के अंदर। इवोल्यूशन का मतलब वापस असेस करना, रीअसेस करना, कहने का मतलब पेशेंट को लगा के आ गए फिर आप घर चले गए, ऐसा नहीं, वापस उसको एक बार रीअसेस करके फिर जाओ, ठीक है, ये होता है इवोल्यूशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना यहाँ पर, ठीक है। ये एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी प्लानिंग का, आपकी नर्सिंग जो केयर है उसका इफेक्टिवनेस का पता किस प्रोसेस में चलता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, डेफिनेट आएगा और आता है, हर बार आया है, इतिहास गवाह इस चीज़ का। वहाँ पे एक ही आंसर जाता है, इवोल्यूशन। जब आप नर्सिंग प्रोसेस का कोई क्वेश्चन आता है और आपको कुछ समझ में ना आए कि यार ये तो असेसमेंट में भी नहीं जा रहा है, डायग्नोसिस में भी नहीं जा रहा, प्लानिंग में भी नहीं जा रहा, तो डेफिनेट वो इवोल्यूशन ही होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये हो गई आपकी पाँचों की पाँचों, क्या हो गई, नर्सिंग प्रोसेस के ऊपर से सवाल था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट यहाँ पे बताया है मैंने। और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो आपके यहाँ पे ले सकते हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस होती है पांच प्रकार की, पहला असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इंटरवेंशन या इवोल्यूशन, ठीक है। तो वन बाई वन करके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो लिखने का टाइम तो मैंने वैसे ही दिया, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं वैसे ही, ठीक है, खूब लिखने का टाइम तो आपको मिल ही गया, उसकी कोई बात ही नहीं है। सब्जेक्टिव था असेसमेंट के अंदर, सब्जेक्टिव में एक था प्राइमरी, एक था सेकेंडरी। प्राइमरी पे तो पेशेंट खुद बताएगा, सेकेंडरी में अदर सोर्स यानी रिलेटिव से अपन को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। लेकिन अपन असेस नहीं कर रहे हैं अभी तक भी, रिलेटिव से मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन, और ऑब्जेक्टिव में अपन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर आया था अपने पास में डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के अंदर अपने जितनी भी सारी देश दुनिया की जाँचें करते हैं वो सारी डायग्नोसिस में जाती है, ठीक है। जाँचें क्यों करते हैं, डिजीज़ का पता लगाने के लिए, ठीक है। प्लानिंग में अपन मेडिकेशन कर रहे हैं, पोजिशनिंग कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंट को एनिमा लगा रहे हैं, कैथेटर लगा रहे हैं, उसकी सारी की सारी प्लानिंग बना रहे हैं, इस प्रकार से अपन लगाएंगे, इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। और पेशेंट का एडमिशन के दौरान ही उसका डिस्चार्ज प्लान तैयार कर लिया जाता है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन की, मैं बात करूँ तो मेडिकेशन का रूट, डोज, टाइम, क्या रखना है क्या नहीं रखना, वो इस प्रकार सब सारी प्रोसेस होती रहती है इसके अंदर। और इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था इफेक्टिवनेस का पता लगाने के लिए, मेडिकेशन या कुछ भी चीज़ अपन ने जो प्रोसीजर किया उसका इफेक्टिवनेस, वो इफेक्टिव हुआ या नहीं हुआ, पेशेंट के ऊपर उसका इफेक्ट आया या नहीं आया, ठीक है, ये पता लगता है अपन को इवोल्यूशन के अंदर। तो ये बातें समझ में आई सभी को, आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, बढ़े आगे। तो यहाँ पे एक एक टॉपिक में लिखूँगा, ठीक है, कि कौन कौन सा टॉपिक अपने हो गया, और फिर आपके MCQ क्लासेस रहेगी तो वो उसी टॉपिक की रहेगी, याद रख लेना, ठीक है। और आपको MCQ का जवाब भी देना पड़ेगा। तो पहला टॉपिक तो अपना हो गया नर्सिंग प्रोसेस। दूसरा टॉपिक आता है अपने पास में नर्सिंग के ऊपर से ही मैं बात करूँ तो अपन नर्सिंग की मदर किसे बोलते हैं, फादर किसे बोलते हैं, उसकी छोटी सी एक कहानी है, उसके ऊपर से क्या है हर एग्ज़ाम में एक ना एक सवाल आता है, तो वो भी मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ, क्या पूछते हैं वही चीज़ बताऊँगा मैं, ज़्यादा डीपली नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछते हैं कि नर्सिंग की मदर या कभी पूछ देते हैं फाउंडर
या आपको पूछे इंडियन, ठीक है, इंडियन नर्सिंग के फाउंडर भी पूछ सकते हैं, या आपको पूछे फादर, फादर ऑफ नर्सिंग, तो आपको एक ही जवाब देना है। क्या जवाब देना है? सबको पता है, सबके मुंह पे टिप ऑफ द टंग है, क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका जन्म कब हुआ था? 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का क्या हुआ था? बर्थ हुआ था। क्या हुआ था? बर्थ। और 13 अगस्त को इसकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। ये डेट जरूर याद रख लेना, डेट बार बार पूछते हैं। और 12 मई इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी दिन इसका, इनका जो जन्म हुआ था ना, उसी दिन अपन क्या मनाते हैं? नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं? नर्सेस डे 12 मई को ही अपन यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। इनके टाइम पे ही 1856 एवं 57 के अंदर, 1856 एवं 57 के अंदर एक वार हुआ था, क्रीमियन वार। स्पेलिंग मिस्टेक सुधार लेना, ठीक है। क्रीमियन वार हुआ था, उसके अंदर इन्होंने क्या किया था? सैनिकों की जान बचाई थी, सैनिकों की सेवा की थी, सैनिकों की जान बचाई थी, इसीलिए इनको यहाँ पे नर्सिंग की मदर, फादर या सब कुछ अपन इनको इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। और इनको और क्या बोला जाता है? लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लैम्प, क्योंकि ये क्या, इन्होंने क्या किया था कि ये जो क्रीमियन वॉर हुआ था उसमें लैम्प लेकर भी घूमी थी, ठीक है, इसलिए इसको अपन, इनको अपन क्या बोलते हैं? लेडी विद द लैम्प भी बोल लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे नर्सिंग की फादर मदर से। और एक क्वेश्चन आपको ये पूछेंगे कि इनका जो बर्थ हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो इनका बर्थ हुआ था फ्लोरेंस सिटी में, फ्लोरेंस सिटी में, कहाँ की है? इटली की, इटली की फ्लोरेंस सिटी में इनका जन्म हुआ था। और इंग्लैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड के लंदन सिटी में, लंदन सिटी में इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। क्या हुई थी? डेथ हुई थी। ये बात भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गई आपकी नर्सिंग के ऊपर से बात, छोटी सी बात थी बस, ज़्यादा इतना नहीं पूछते यहाँ से। तो आपके यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी पूरा हुआ। तीसरी बात निकल के आती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं डायरेक्ट टॉपिक टॉपिक ही बात करूँगा, ज़्यादा मतलब डीपली बात भी नहीं करूँगा। तो तीसरी बात अपने पास में आता है वाइटल साइन। टॉपिक क्या है? वाइटल, वाइटल साइन लिख लेना, टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बार और हर एग्ज़ाम में एक ना एक सवाल यहाँ से टपकता है वाइटल साइन के ऊपर से। तो यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं? नर्सिंग। अपन क्या पढ़ रहे हैं? नर्सिंग। कौन सी नर्सिंग पढ़ रहे हैं? आरआरबी वाली नर्सिंग, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं स्पेशल, ठीक है। टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, टॉपिक एक एक लिखते जाना, एक एक इम्पोर्टेंट है, नोट्स तो तैयार हो जाएंगे अच्छे से, रिवाइज करना रहेगा। वाइटल साइन जो होते हैं ना, वो कितने टाइप के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ बताऊंगा, देखो आपको कन्फ्यूज़न भी होता है कई जगह पे, कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है। तो पहला तो इधर को 4 तो मतलब टिप ऑफ द टंग रंग नहीं है, उसके बाद में